बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कल बहुत बड़े दिन है मेरे लिए और मेरे सर के लिए भी, क्योंकि कल उनके बर्थडे है, शामी है और बुमराह भी। हमारा तीनों जो बॉलर है वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। कल गिल्ली उड़े हैं कैसे बता। भाई वेलकम टू कोलकाता। कल स्पेशल डे है, विराट अपना 35th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो पहले तो थोड़ा उसके बारे में बताओ, क्या तैयारियां हैं कल के लिए? तैयारी है, सबको देखे रहे होंगे क्योंकि मैंने हेयर कट में उनका नाम के साथ हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ है और उनके जर्सी नंबर भी लिखा हुआ है। कल के मैच के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कल बहुत बड़े दिन है मेरे लिए और मेरे सर के लिए भी, क्योंकि कल उनके बर्थडे है और 70,000 क्राउड जो है एक साथ उनके बर्थडे विश मनाएंगे, बर्थडे विश करेंगे और आते समय बहुत अच्छा लगेगा। हमने देखा, बात हो रही थी कि 49 जो है वो ईडन गार्डन्स में आने से पहले हो जाएगा और ईडन गार्डन्स 50th सेंचुरी जो है वो देखेगा, विटनेस करेगा, लेकिन वो नहीं हुआ है। दो मैचेस में विराट के बैट से रन्स तो आए हैं, लेकिन क्या कल लगता है वो मास्टर का जो 49 सेंचुरीज का ओडीआई का जो रिकॉर्ड है, कल वो बन जाएगा ईडन गार्डन्स पे? ऑब्वियसली बन जाएगा क्योंकि अभी तीनों सेंचुरी हम मिस कर चुके हैं और ईडन गार्डन में बर्थडे स्पेशल मनाएंगे और सेंचुरी मारेंगे और रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। टीम इंडिया की जो अभी तक की कहानी रही है, जर्नी है, वो मतलब अनबिलीवेबल है। विराट रोहित दोनों फ्रंट से लीड कर रहे हैं, लेकिन कल बॉलर कौन सा इंडिया का है जो परेशान करेगा साउथ अफ्रीका को? शामी है और बुमराह भी। हमारा तीनों जो बॉलर है बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। कल गिल्ली उड़े हैं कैसे बता। वापस विराट पर बात करते हैं, ये जो कल बर्थडे है उसके लिए क्या स्पेशल कोई टैटू किया है, क्योंकि आपके बॉडी पे बहुत सारे विराट के टैटूज हैं। हाँ, कल के लिए क्या हूँ मैं, साल में 50 ICC इवेंट में जो 50 ओवर के लोगों मैंने 11 बनाया था, 15 तो ये नंबर 18 जो है ये तो आपके साथ परमानेंटली है। इससे पहले आप जो जिस वेन्यू पे गए थे वहाँ के और ये ईडन गार्डन्स के एटमॉस्फेयर में क्या अंतर लग रहा है गिंटू भाई? बहुत ही अंतर लग रहा है क्योंकि हर कोई विराट के फैन है। मुझे मतलब कल मैच है, आज इतना भीड़ है बस विराट सर के लिए, मतलब मास्क खरीद रहे हैं, जहाँ देखो विराट सर के ही फैन है, 18 नंबर जर्सी दिख रही है मुझे। कल बहुत मजा आने वाले है। कोई पर्सनल मैसेज आपने कुछ भेजा है विराट भाई को? भेजा तो नहीं हूँ, बस मेरा पर्सनल मैसेज ये है। अच्छा, कल बर्थडे स्पेशल बने और आपके जो तीनों 100 मिस हुए ये 100 बने और बहुत ही अच्छे 100 आए। विराट के ओवरऑल इस साल का जो फॉर्म है उस पे फैंस का क्या है, मतलब क्या लग रहा है कि इस साल खत्म करते करते विराट के कितने शतक हो जाने हैं? अभी तो तीनों मैच, अभी 4 मैच बचे हैं, मुझे लगता है कि फाइनल में तो जरूर आएंगे और इसमें आएंगे, मुझे लगता है तीनों सेंचुरी आ जाएंगे। अगर ईडन गार्डन्स की बात करें तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर सेमीफाइनल में होता है तो ईडन गार्डन्स में सेमीफाइनल होगा इंडिया का, अदरवाइज इंडिया सेमीफाइनल मुंबई में खेलेगी। मुंबई में तो क्या लगता है, मुंबई या कोलकाता कौन सा फेवरेट वेन्यू हो सकता है इंडिया के लिए? क्योंकि लास्ट टाइम जब यहाँ सेमीफाइनल खेला था तो इंडिया को बहुत खराब मेमोरीज हैं, याद उसको भुलाना चाहेगी और हिसाब भी शायद बराबर। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है क्योंकि इंडिया अभी टॉप में और टॉप में ही रहेंगे और मुंबई में ही खेलेंगे। ओके, थैंक यू पिंटू वेरा, मिलते हैं कल। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।